श्री विशंबर प्रसाद निषाद जी नॉट प्रेजेंट, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीना जी मैं बिल्कुल। केंद्र सरकार द्वारा बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर जिलों में बड़े सोलर प्रोजेक्ट लगाए जाने के संदर्भ में फॉसिल एनर्जी को पर्यावरण के लिए बहुत घातक मानते हुए तुरंत रोक लगाए जाने का विचार दुनिया भर में चल रहा है। ग्लासगो में 13 नवंबर 2021 को संपन्न हुई यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस में 2050 तक दुनिया को नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन तक ले जाने का निर्णय हुआ है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वाधीनता दिवस पर ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की घोषणा की थी। IEEA के अनुसार बिजली उत्पादन के पारंपरिक स्रोतों की उपलब्धता कम होती जा रही है। ऐसे में सौर व पवन ऊर्जा जैसे गैर पारंपरिक स्रोत आने वाले दिनों में अहम साबित होंगे। राजस्थान में वर्ष भर में औसतन 325 दिन सूरज चमकता है। इससे प्रदेश में सौर ऊर्जा की विपुल संभावनाएं हैं। यहां 142.31 गीगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्रों से बिजली उत्पादन का अनुमान लगाया गया है, जो देश में सर्वाधिक है। राजस्थान में बीकानेर के भरूखेरा गांव में इंटीग्रेटेड औद्योगिक प्लांट लगाया जाना प्रस्तावित है, जिससे सौर ऊर्जा से हाइड्रोजन बनाई ही जाएगी, इसे अमोनिया में बदला जाएगा। हाइड्रोजन एवं अमोनिया को बनाने में कार्बन उत्सर्जन नहीं होगा। इससे 9500 मेगावाट बिजली उपलब्ध होगी। इस प्लांट को एक्समे नाम की कंपनी लगाने जा रही है। सबसे सस्ती और प्रचुर सौर ऊर्जा राजस्थान में उपलब्ध है, जमीन भी उपलब्ध है, आसानी से मिल जाती है। राज्य सरकार को एक बड़ी निजी कंपनी ने बीकानेर, जैसलमेर एवं बाड़मेर जिलों में बड़े सोलर प्लांट लगाने के प्रस्ताव दिए हैं। अतः मेरी मांग है कि केंद्र बीकानेर, जैसलमेर एवं बाड़मेर जिलों में ऐसे बड़े सोलर प्रोजेक्ट लगाए जाने की सहमति प्रदान करें। श्री एस सेल्वा गणपति जी। ऑनरेबल डिप्टी चेयरमैन सर, द डिमांड फॉर एडमिशन्स इन पुदुचेरी KV स्कूल इज माउंटिंग एवरी ईयर। द KV